अस्सलाम वालेकुम बेटे एंड वेलकम बैक टू यूएसए कॉलेज ऑफ फार्मेसी। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रिगार्डिंग द चैप्टर नंबर 6 एंड द टॉपिक नेम इज डोजेज फॉर्म। So we are basically studying what is a dosage form. Dosage form is formed by the combination of two things, like one is the drug and second one is the non-drug part. So we are recently discussing about the non-drug parts which are present in any dosage form, or you can say which are present in any medicine. So let's start our topic. But today we're going to discuss about the different excipients or the different additives which play an important role in the formation of any product, or you can say which are in the formation of any formulation. So we are studying about the different excipients, and excipients are the vehicles, are the diluents, binders, disintegrants, lubricants. They all have an important role in the formation of a drug. ठीक है बेटे, तो इसमें हमने अभी तक जो डिफरेंट बातें पढ़ी थी वो यही थी कि बेटे हमारे पास जब भी कोई मेडिसिन तैयार की जाती है उसमें दो पोर्शंस होते हैं, एक ड्रग पार्ट होता है और एक नॉन ड्रग पार्ट होता है। तो बेटे ड्रग और नॉन ड्रग पार्ट दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी ड्रग की फॉर्मेशन में, क्योंकि बेटे जब ड्रग पार्ट आप देखते हैं ना, तो ड्रग क्या है, ड्रग कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी आप कह सकते हैं डिजीज के अगेंस्ट एक्शन, थेरेप्यूटिक एक्शन प्रोड्यूस करेगा, वो हमारा ड्रग कहलाएगा। लेकिन बेटे अगर हम देखें तो उस ड्रग को स्टेबल रखने के लिए हमारी किसी भी मेडिसिन के अंदर हमेशा नॉन ड्रग पोर्शन प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम एक्सीपिएंट्स कहते हैं। अब बेटे वो नॉन ड्रग पोर्शन हमने स्टार्ट किए थे और जिसमें से हमने कुछ पढ़े भी हैं कि कौन कौन से नॉन ड्रग पोर्शंस हैं जो हम किसी भी टैबलेट में, किसी भी कैप्सूल में, या किसी भी लिक्विड या सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में ऐड करते हैं। और बेटे आज के जो हमारे पास है एक्सीपिएंट जो आज हमने पढ़ना है, उनको हम कहते हैं कि हाइड्रोक्लोराइड्स हैं या बेटे सस्पेंडिंग एजेंट्स हैं। ठीक है बेटे, सस्पेंडिंग का जो वर्ड निकला है ना, ये बना हुआ है सस्पेंड करने से। सस्पेंड करना क्या होता है बेटे, डिस्पर्स करना या हैंग करने को कहा जाता है। यानी कि जब भी आप किसी भी प्रेपरेशन के अंदर कोई भी ड्रग को सस्पेंड कर देते हैं, फैलाव में ले आते हैं, मुंतशिर कर देते हैं। अब बेटे कोई चीज फैलाव में कब आती है, व्हेन इट इज इमिसिबल। ठीक है, यानी कि कोई भी सब्सटेंस कब बेटे हमारे पास सस्पेंड होता है, जब वो इमिसिबल होता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं पानी लेती हूँ, अब बेटे पानी के अंदर अगर मैं शुगर को ऐड करूंगी, सॉल्वेंट है मेरे पास वाटर, उसके अंदर सल्यूट में शुगर डालूंगी, तो सल्यूट तो हल हो, यानी कि शुगर तो हल हो जाती है। तो आप क्या कहते हैं कि वो जो शुगर बेटे उसके अंदर ऐड हुई है वो डिजोल्व हो गई है उसके अंदर, लेकिन बेटे यानी कि मिसेबल हो गई है। लेकिन बेटे हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो अपने रिस्पेक्टिव सॉल्वेंट्स के अंदर हल नहीं होते। जब बेटे वो हल नहीं होंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिस्पर्स हो जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि बेटे वो फैलाव में आ जाते हैं या मुंतशिर हो जाते हैं। तो उन्होंने बेटे यही बताया है कि वो जो सब्सटेंसेस जो फैलाव में आते हैं, जैसे बेटे अगर आप देखें ना, इसके लिए हमारे पास जो कॉमन एग्जांपल है वो सस्पेंशन की है। सस्पेंशन अक्सर आपने देखा होगा कि डॉक्टर आपको मेडिसिन जब प्रेस्क्राइब करता है ना, तो उसके अंदर एक सिरप होता है, सिरप के अंदर पाउडर पड़ा हुआ होता है। ठीक है, उस पाउडर के अंदर साथ ऊपर उस बॉटल के क्या लिखा हुआ होता है कि पानी को पहले गर्म करें, फिर उसको ठंडा करके इसके अंदर डालकर उसको हिलाएं अच्छे तरीके से। अब बेटे जब आप पानी को गर्म करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, यानी कि आप सॉल्वेंट ऐड करें, अब बेटे वो जो पाउडर होता है ना, उस पाउडर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिसॉल्वेबल नहीं होते, वो उस पूरे पानी के अंदर फैलाव में आ जाते हैं, मुंतशर हो जाते हैं। तो इसलिए हम उसको कहते हैं कि वो हमारी सस्पेंशन है, क्योंकि उसके अंदर बेटे हमारे सोल्यूट पार्टिकल्स सस्पेंड हो गए हैं। तो बेटे ऐसे एजेंट्स या ऐसे सब्सटेंसेस जो पार्टिकल सस्पेंड हुए हुए हैं उनको एज इट इज सस्पेंड रखेंगे, क्योंकि बेटे देखे ना, अगर अक्सर आप देखें तो वो पार्टिकल्स अगर कुछ टाइम के लिए पड़ी रहे वो सीरप बॉटल, तो वो होता क्या है कि वो बॉटल में पार्टिकल्स बॉटम के ऊपर बैठना शुरू हो जाते हैं और ऊपर पानी जो आपने बाद में डाला होता है वो लैदा हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है जब भी आप कोई ऐसी दवाई इस्तेमाल करें, उसको इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से हिला लें, ताकि जो बेटे पार्टिकल्स बॉटम पे बैठ गए हैं वो दोबारा सस्पेंड हो जाए
रीडिस्पर्स हो जाए, यानी कि वो बेटे दोबारा मुंतशिर हो जाए। ठीक है, तो बेटे हम इसीलिए करते हैं कि हमारी कोशिश ये होती है कि जब हमारा कोई सब्सटेंस हल नहीं होता तो वो जाहिर सी बात है फैलाव में, तो बेटे जब कोई सब्सटेंस फैलाव में होता है ना तो हमें एक जो स्टैंडर्ड कंडीशन रिक्वायर्ड होती है वो यही होती है कि वो फैलाव में ही रहे, यानी कि वो बॉटम में जाकर ना बैठे। क्योंकि अगर बेटे बॉटम में बैठ जाएगा यानी कि ड्रग बॉटम पे चला गया, पानी लहदा रह गया। अगर आप दवाई उंडेल कर यानी कि चम्मच में दवाई लेते भी हैं या किसी भी स्पून में किसी भी जरिए से आप अगर दवाई लेते हैं तो बेटे वो आप खाली ऊपर से सॉल्वेंट ले रहे हैं, ड्रग पार्टिकल्स तो नीचे बैठ गए हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि इनको इस्तेमाल करने से पहले अच्छे तरीके से हिलाना चाहिए। अब बेटे ऐसी प्रेपरेशन जिनके अंदर हमारे ड्रग पार्टिकल्स मुंतशिर होते हैं, उनको उस मुंतशिर हुए हुए को बरकरार रखने के लिए हम उनके अंदर सस्पेंडिंग एजेंट्स डालते हैं जो बेटे उन पार्टिकल्स को सस्पेंड रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए उन्होंने बताया दीज आर द हाई मॉलिक्यूलर वेट सॉलिड सब्सटेंसेस के बेटे ये जो सस्पेंडिंग एजेंट्स होते हैं ना इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं, एंड व्हेन एडेड टू द वाटर प्रोड्यूस हाई विस्कस सॉल्यूशन सस्पेंशन और जेल। अब बेटे मैं कह रही हूँ कि वो पार्टिकल्स फैलाव में रखते हैं, ये जो सस्पेंडिंग एजेंट्स होते हैं ना ये उन ड्रग पार्टिकल्स को फैलाव में रखते हैं। कैसे रखेंगे? क्योंकि बेटे जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने वाटर लिया, वाटर के अंदर मैंने अपना ड्रग डाल दिया, ड्रग के अलावा जितने भी कलरिंग एजेंट्स फ्लेवरिंग एजेंट्स सब कुछ डाल दिया, आप बेटे वो उसके अंदर मिसेबल नहीं थे, हल नहीं हुए, तो हल नहीं हुए तो मतलब फैलाव में आ गए। अब फैलाव में आ गए तो बेटे फैलाव में उसको अगर वो पानी होगा ना बेटे, खाली अगर आप सॉल्वेंट लेते हैं पानी लेते हैं उसके अंदर अगर आप वो रखेंगे तो बेटे विद इन आप कह सकते हैं सेकेंड्स वो हमारे पास जो ड्रग पार्टिकल्स जो या मिनट्स आप कह सकते हैं विद इन मिनट्स वो जो ड्रग पार्टिकल्स पहले सस्पेंड हुए थे वो फौरन बॉटम में बैठ जाते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं उनको दोबारा सस्पेंड रखने के लिए बेटे उनके अंदर हम सस्पेंडिंग एजेंट्स डालते हैं। सस्पेंडिंग एजेंट्स क्या करेंगे कि बेटे उस पानी को विस्कस कर देंगे। हमने एक विस्कोसिटी का टॉपिक रिसेंटली पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, तो बेटे विस्कोसिटी क्या होती है कि हम अपने उस लिक्विड को कंसंट्रेटेड बना देंगे यानी कि गाढ़ा कर देंगे। जितने भी सस्पेंडिंग एजेंट्स होते हैं ना बेटे उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही होता है कि जब भी आप उसको किसी भी लिक्विड के अंदर डालते हैं वो उस लिक्विड को कंसंट्रेटेड या विस्कस बना देते हैं। अब बेटे अगर कोई चीज गाढ़ी हो जाए तो जाहिर सी बात है अगर ड्रग पार्टिकल्स हैं जिस पानी के अंदर वो मैंने सस्पेंड किए हुए हैं, अगर बेटे उस पानी को ही मैं गाढ़ा कर दूंगी, उस लिक्विड को मैं गाढ़ा कर दूंगी, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो ड्रग पार्टिकल्स हैं बेटे उनको नीचे बैठने में रुकावट फेस करनी पड़ेगी। विस्कोसिटी यही होती है ना कि हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस को हम कहते हैं। तो बेटे जब ड्रग पार्टिकल्स बॉटम पे बैठते हैं तो उनको रुकावट यानी कि रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है। तो इस रेजिस्टेंस से बचने के लिए यानी कि इस रेजिस्टेंस को हम खुद डिवेल्प करवाते हैं ताकि बेटे हमारे ड्रग पार्टिकल्स जो है वो बॉटम पे ना बैठे। तो हमारा जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है बेटे वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारा है ये कि हमने ड्रग पार्टिकल्स को सस्पेंड रखना है। और वो सस्पेंड कैसे रखना है बेटे, उनके अंदर हम सस्पेंडिंग एजेंट्स ऐड करते हैं जो विस्कोसिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आप उन्होंने देखिए ये बात लिखा हुआ भी है व्हेन एडेड टू द वाटर कि जैसे ही बेटे हम उनको पानी के अंदर डालेंगे ना तो पानी क्या करता है बेटे उनकी विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, यानी कि प्रोड्यूस हाई विस्कस लिक्विड, तो वो क्या करेगा बेटे विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देगा। एंड विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट्स यूज टू रिड्यूस सेडिमेंटेशन ऑफ द पार्टिकल्स इन अ व्हीकल। अब बेटे इनको ना हम सस्पेंडिंग एजेंट्स को दूसरा नाम इनका विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट्स भी होता है क्योंकि बेटे इनका काम ही ये होता है कि ये उस लिक्विड की विस्कोसिटी को बढ़ा देते हैं। अब बेटे जब विस्कोसिटी बढ़ जाती है ना तो वो जो ड्रग पार्टिकल्स होते हैं उनका सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है बेटे, ये उस स्पीड को कहा जाता है या उस रेट को कहा जाता है जिसके ऊपर ड्रग पार्टिकल्स बॉटम पे बैठते हैं यानी के नीचे जाकर उस बोतल के एंड पे बैठ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं बेटे, जैसे ही हम सस्पेंडिंग एजेंट्स डालेंगे, सस्पेंडिंग एजेंट्स क्या करेंगे विस्कोसिटी बढ़ा देंगे। अब बेटे जब विस्कोसिटी बढ़ जाएगी तो अल्टीमेटली जो ड्रग पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम पर नहीं बैठेंगे और वो उसी तरह पूरी प्रेपरेशन के अंदर मुंतशिर रहेंगे और फैलाव में रहेंगे। और यही बेटे हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये हमने विस्कोसिटी को इंक्रीज करवाना है
और जब बेटे विस्कोसिटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो ड्रग पार्टिकल्स हैं वो फैलाव में रहते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज गम्स, और बेटे इन्हीं को हम गम्स भी कहते हैं, एंड कंसिस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन्स। और बेटे इन हमारे पास जितने भी सस्पेंडिंग एजेंट्स होते हैं, या तो इनके अंदर पॉलीसेकेराइड्स होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं, और इनको हम गम्स कहते हैं, ठीक है। बेसिकली गम्स भी जो होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट इन नेचर होती है, जैसे बेटे हमने पढ़ी थी जेंथेन गम होती है, उसके अलावा केशिया गम होती है, ट्रैगाकैंथ होती है, यानी कि गूंद कतीरा, कीकर का गूंद, बेटे इन सब का काम यही होता है कि जिस भी सोल्यूशन में आप इसको डालेंगे जो सोल्यूशन को गाढ़ा कर देगा, जिसकी वजह से सोल्यूशन के अंदर मौजूद जो ड्रग पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी बॉटम पर नहीं बैठेंगे, और यही हमारी रिक्वायरमेंट है। अब बेटे जो हमारे पास सस्पेंडिंग एजेंट्स होते हैं वो हैं तीन तरह के, यानी कि बेटे वो नेचुरल भी हो सकते हैं, यानी कि टोटली और प्योरली उनको हम नेचुरल सोर्स से लेंगे। उसके अलावा बेटे सेकंड नंबर पे वो हमारे पास सेमी सिंथेटिक भी हो सकते हैं, यानी कि बेटे हाफ सिंथेटिक होंगे, यानी कि हाफ नेचुरल होंगे और हाफ हम उनको खुद प्रिपेयर करेंगे। और लास्ट पे थर्ड वन इज सिंथेटिक। सिंथेटिक होता है बेटे जो टोटली खुद प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे एजेंट्स हमारे पास तीन तरह के होते हैं, जो नेचुरल भी हैं, हाफ नेचुरल प्लस हाफ खुद प्रिपेयर किए हुए होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो टोटली खुद प्रिपेयर करते हैं, उनको हम सिंथेटिक कहते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए बेटे, उन्होंने नीचे हमें एग्जाम्पल तीनों की अलग अलग दी हुई है, तो तीनों में से आपने दो दो एग्जाम्पल्स लाजमी करनी है, ठीक है। जैसे आप देखें उन्होंने बताया अकेशिया, ट्रैगाकैंथ है, एगर है, जेलेटिन है, कैसीन है, उसके अलावा बेटे सिलिका, कोलाइडल एलुमिना, बेंटोनाइट एंड वीगम, ये बेटे सारे हमारे पास नेचुरल सस्पेंडिंग एजेंट्स हैं। यानी कि ये आप देख सकते हैं किसी के आगे प्लांट लिखा है, किसी के आगे एनिमल लिखा है, किसी के आगे मिनरल सोर्स लिखा है, तो बेटे ये तमाम हम नेचुरल सोर्सेस से ऑब्टेन करते हैं, इसलिए हम इनको नेचुरल सस्पेंडिंग एजेंट्स भी कहते हैं। उसके अलावा है बेटे हमारे पास सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक आर दो सस्पेंडिंग एजेंट्स विच आर यू कैन से सेमी नेचुरल, नेचुरली अकरिंग, और सेमी दे आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, यानी कि बेटे हम उनको खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं हाफ, और मतलब उनके अंदर कुछ बेटे मॉडिफिकेशंस की जाती हैं, लिया उनको नेचुरल सोर्स ही जाता है लेकिन उनके अंदर मॉडिफिकेशंस खुद करवाई जाती हैं, जिसकी वजह से हम उनको कह देते हैं कि वो हाफ नेचुरल है और हाफ खुद प्रिपेयर किए गए हैं, ठीक है। जैसे आप देखें बताया हुआ उन्होंने मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्यूलोज, मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज एंड हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेल्यूलोज, बेटे ये हमारे पास तमाम के तमाम हमारे सेमी सिंथेटिक सस्पेंडिंग एजेंट्स है। आप इनमें से कोई सी दो एग्जाम्पल करेंगे, इसी तरह नेचुरल में से भी कोई सी दो एग्जाम्पल करेंगे, और लास्ट पे बेटे हमारे पास सिंथेटिक जिनको हम टोटली लेबोरेटरीज में प्रिपेयर करते हैं, यानी कि खुद प्रिपेयर करते हैं, और उसमें बेटे हमारे पास एग्जाम्पल है ही दो, एक है कार्बोपोल्स और एक है पोलियोक्स, ठीक है। ये दोनों हमारे पास आप कह सकते हैं सिंथेटिक सस्पेंडिंग एजेंट्स हैं। उसके बाद अगर आप बेटे आगे देखें तो हमारे पास है स्टेबलाइजर्स। स्टेबलाइजर्स क्या होते हैं बेटे? स्टेबलाइजर्स ऐसे एजेंट को कहा जाता है, ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है विच कीप आर प्रिपरेशन और विच कीप आर फॉर्मुलेशन स्टेबल, यानी कि बेटे जो किसी भी तरीके से, अब जो स्टेबलाइजर्स होते हैं वो भी मुख्तलिफ तरह के होते हैं, लेकिन बेटे इनका काम क्या होता है, हमारी प्रिपरेशन को यानी कि हमारे ड्रग को स्टेबल रखना, उसकी आप कह सकते हैं हमारी फॉर्मुलेशन को, हमारी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना। अब बेटे स्टेबिलिटी मुख्तलिफ तरीके से हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है, केमिकली भी हो सकती है, माइक्रोबायोलॉजिकली भी हो सकती है, थेरेप्यूटिक भी हो सकती है, और टॉक्सिकोलॉजिकली भी हो सकती है। अब बेटे ये हमारे पास पांच एस्पेक्ट्स हैं। अब इन पांचों एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी प्रेपरेशन को मेंटेन रखना होता है, और बेटे उसकी जो हमारी स्पेसिफिकेशंस है उन स्पेसिफिकेशंस को मेंटेन रखना होता है, तो तभी हमारी प्रेपरेशन स्टेबल कहलाती है। तो बेटे वो एजेंट्स जो हमारे ड्रग की प्रेपरेशन स्पेसिफिकेशंस को मेंटेन रखेंगे उनको हम कहते हैं कि वो हमारे स्टेबलाइजर्स हैं। जैसे आप देखें स्टेबलाइजर्स में उन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया है कि स्टेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, द कैपेबिलिटी ऑफ अ फॉर्मुलेशन इन अ स्पेसिफिक कंटेनर, के बेटे किसी भी फॉर्मुलेशन की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी के वो टू रिमेन विद इन द फिजिकल, के बेटे वो फिजिकली, केमिकली, माइक्रोबायोलॉजिकली, के बेटे उसके अंदर कोई फिजिकल चेंजेस प्रोड्यूस ना हो आपके ड्रग के अंदर,
यानी कि बेटे ना आपका ड्रग अगर लिक्विड स्टेट में है तो वो लिक्विड में रहे, ये ना हो कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, या अगर बेटे आपका ड्रग उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, लाइक देर इज नो रिएक्शन अकरिंग इन योर प्रिपरेशन, लाइक ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, एसिड बेस्ड रिएक्शन, तो बेटे कोई भी इस तरह का रिएक्शन आपकी प्रिपरेशन के अंदर नहीं होना चाहिए, हमें उसे भी बचा के रखना है अपनी प्रिपरेशन को। माइक्रोबायोलॉजिकली भी, यानी कि बेटे आपकी प्रिपरेशन के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करना चाहिए, यानी कि बेटे ऑब्वियस है अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कौन रोकते हैं, हमारे पास प्रिजर्वेटिव्स, तो हम क्या करते हैं कि बेटे प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं, प्रिजर्वेटिव भी हमारा एक स्टेबलाइजर कहलाएगा, क्यों, क्योंकि बेटे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं करने देगा। इसी तरह बेटे थेरापियोटिकली के हम अपनी प्रिपरेशन को थेरापियोटिकली भी स्टेबिलिटी को, उसकी कैपेबिलिटी को मेंटेन रखना है, यानी कि बेटे उसको प्रॉपर डोज में प्रेस्क्राइब किया जाए ताकि एक जो रिक्वायर्ड रिस्पांस है वो प्रोड्यूस हो सके। और बेटे लास्ट पे है टॉक्सिकोलॉजिकली के बेटे कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए उस प्रिपरेशन के हवाले से, क्योंकि बेटे अगर हमारे माइक्रो टॉक्सिकोलॉजिकल किस तरह टॉक्सिस प्रोड्यूस, ये नहीं है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है रिजल्टेंट आपकी दवाई हार्मफुल हो गई है, यानी कि वो टॉक्सिक हो गया, पेशेंट लेगा तो ऑब्वियसली बेटे उसके अंदर आपके इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे। तो इसके लिए हम क्या ऐड करते हैं, जो हम प्रोडक्शन को बिटा करते हैं उसकी स्पेसिफिकेशंस को मेंटेन रखते हैं, ठीक है, कोई ड्रग अपनी इन तमाम स्पेसिफिकेशंस मेंटेन रखेगा, इन स्पेसिफिकेशंस के विदन लाए करेगा तो वो स्टेबल होगा। अब बेटे ऐसे सब्सटेंसेस जो इन तमाम स्टेबल, अच्छा बेटे इसमें ये है कि इसके हम पढ़े थे एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस कहलाते हैं जो बेटे हमारे ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को प्रिवेंट करते हैं। ऑक्सीडेशन क्या है, यानी कि बेटे जब आपकी किसी भी प्रिपरेशन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है ना, तो उसको हम कहते हैं वो हमारा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। तो बेटे ऐसे सब्सटेंसेस, अब ऑक्सीजन ऐड होगी तो बेटे ऑब्वियस है वहां पर केमिकल रिएक्शन होगा जिसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, तो बेटे वो हमारे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को खराब कर देगा। तो इस वजह से हम उस स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं कि हम उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं जो ऑक्सीजन को ऐड होने देंगे ही नहीं। जैसे आप देखें उन्होंने लिखा हुआ है प्रिवेंट द डिटोरिएशन ऑफ द प्रेपरेशन बाय ऑक्सीडेशन, कि ऑक्सीडेशन से बेटे डिटोरिएशन मीन्स कि बेटे डिस्ट्रॉय होने से, यानी कि जो आपकी मेडिसिन है आपका ड्रग है उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एस्कॉर्बिक एसिड है बेटे हमारे पास, उसके अलावा सोडियम एस्कॉर्बेट है, सोडियम बाइसल्फाइट है, और टोकोफिरोल्स, बेटे टोकोफिरोल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट एंड इट इज फ्रीक्वेंटली बीइंग आस्क्ड अबाउट द व्हाट इज टोकोफिरोल, टोकोफिरोल इज बेसिकली अ एंटीऑक्सीडेंट। ये बेटे एमसीक्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टोकोफिरोल्स क्या है, तो इसको आप एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईलाइट कर लें, ठीक है। उसके बाद है बेटे हमारे पास चिलेटिंग एजेंट्स, चिलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं बेटे, ऐसे एजेंट्स फॉर्म करेंगे, यानी कि बेटे जैसे आपके पास प्रेपरेशन होती है जैसे ऑइंटमेंट्स हैं क्रीम्स हैं, तो बेटे इन प्रेपरेशन के अंदर अक्सर मेटल पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे आयरन कॉपर सिल्वर इस तरह के ना मेटल्स प्रेजेंट होते हैं जो बेटे आपकी उस ऑइंटमेंट को या आपकी उस क्रीम को अनस्टेबल बना देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि बेटे उस ऑइंटमेंट या क्रीम के अंदर चिलेटिंग एजेंट्स ऐड करेंगे। चिलेटिंग एजेंट क्या करते हैं बेटे कि वो आपके उन मेटल्स के साथ चिलेट्स बना लेते हैं। व्हाट इज चिलेट, चिलेट इज अ बेसिकली रिंग लाइक स्ट्रक्चर टू एनकैप्चर दीज मेटल आयंस, ठीक है। तो बेसिकली उन मेटल्स को जकड़ने के लिए पकड़ने के लिए हम चिलेटिंग एजेंट्स डालते हैं। चिलेटिंग एजेंट्स क्या करते हैं कि बेटे तमाम मेटल आयंस को कैप्चर कर लेते हैं और उनको एक रिंग फॉर्म में उनकी कन्वर्जन कर देते हैं। तो बेटे जब भी हम कोई भी सब्सटेंस लेंगे और वो हमारा मेटल आयंस को कैप्चर कर लेगा और उनको बेटे एक रिंग फॉर्म में ले आएगा, उसको हम कहेंगे कि वो हमारा चिलेटिंग एजेंट है, ठीक है।
उसके बाद अगर आप बेटे देखें तो उन्होंने बताया दीज मैटल्स माइट प्रोमोट इनस्टेबिलिटी, क्योंकि बेटे अगर ये मेटल एज इट इज पड़े रहेंगे ना तो ये आपकी प्रिपरेशन को अनस्टेबल कर देते हैं। तो अनस्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपनी प्रिपरेशन के अंदर चिलेटिंग एजेंट्स ऐड करते हैं। चिलेटिंग एजेंट्स क्या करेंगे कि उन मेटल आयंस को कैप्चर कर लेंगे और अल्टीमेटली हमारी प्रिपरेशन स्टेबल हो जाएगी, जिसमें बेटे एग्जांपल है एडिटेट डाई सोडियम की हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है बेटे हमारे पास बफरिंग एजेंट्स। बेटे बफर का मैंने कंप्लीट टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया है, बफर्स क्या होते हैं। बफर्स ऐसे एजेंट्स को कहा जाता है जो बेटे पीएच को चेंज होने नहीं देते। बेशक आप हमारे पास कोई भी सोल्यूशन है उसके अंदर हम एसिड डाल रहे हैं या उसके अंदर हम बेस डाल रहे हैं, बेटे एसिड या बेस किसी भी एडिशन की वजह से आपके उस मेन सोल्यूशन की पीएच चेंज नहीं होनी चाहिए। और बेटे जब पीएच मेंटेन रहती है, चेंज नहीं होती, और वो चेंज क्यों नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर बफरिंग एजेंट्स ऐड किए हुए होते हैं, बफर्स ऐड किए होते हैं जो उस पीएच को मेंटेन रखते हैं। तो बेटे हमारी अक्सर प्रेपरेशन की पीएच जो होती है वो हमें मेंटेन रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि अगर मेंटेन नहीं होगी तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी के हमारा जो ड्रग है वो अनस्टेबल हो जाता है और बेटे वो रिक्वायर्ड रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, अपनी पीएच को स्टेबल रखते हैं और बेटे वो स्टेबल रहती है बफरिंग एजेंट से। अब बफरिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं, सोडियम सिट्रेट, सोडियम एसीटेट एंड पोटाशियम फॉस्फेट, ये चार तीन बेटे हमारे पास बफरिंग एजेंट्स है। आपने कोई सी दो एग्जाम्पल्स याद कर लेनी है। उसके बाद है बेटे फोर्थ नंबर पे हमारे पास एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स। अब बेटे आपको पता है कि जितनी भी प्रिपरेशन है दे ऑल आर एक्सपोज टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई, मोल्ड्स, बैक्टीरियाज, वायरसेस, तो बेटे इन तमाम से एक्सपोज होती है हमारी प्रिपरेशन। जैसे बेटे मोस्टली अक्सर आप देखें ना तो कभी भी टैबलेट के ऊपर या कैप्सूल के ऊपर कभी भी फंगस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करते। बेटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए ना मोस्ट जो इम्पोर्टेंट उनके पास मीडियम होता है वो होता है बेटे लिक्विड, यानी कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ग्रो करना है ना तो बेटे वो ग्रो करेंगे हमारे पास आपकी प्रिपरेशन के अंदर, लाइक जैसे सीरप्स हैं, सस्पेंशंस हैं। तो बेटे ऐसी प्रेपरेशंस के अंदर जिनके अंदर लिक्विड मीडियम होगा ना, यानी कि जिनके अंदर वाटर होगा, वाटर या आप कह सकते हैं साथ कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स बेटे हमने पढ़े हैं बायोकेमिस्ट्री में भी बहुत डिटेल से कि बेटे जितने भी हमारे पास शुगर्स होती हैं, जहां जहां पर शुगर्स ऐड की जाएंगी और साथ वाटर प्रेजेंट होगा, उस लिक्विड मीडियम के अंदर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाजमी ग्रो करते हैं। तो बेटे अब उन लिक्विड मीडियम्स के अंदर या सेमी सॉलिड मीडियम प्रेपरेशंस के अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ से बचने के लिए या माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स डालते हैं जो बेटे किसी भी तरह से हमारी प्रेपरेशन के अंदर बैक्टीरिया या मोल्ड्स वगैरह को या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने नहीं देंगे। उसके अलावा बेटे जितने भी इंजेक्शंस होते हैं लाइक इंसुलिन, इंसुलिन क्या करते हैं आप बेटे बार बार सिरिंज लेते हैं और बार बार उसको उस वायल के अंदर ऐड करते हैं और वहां से अपनी इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे बेटे मेरे पास अगर वायल है, वायल के अंदर मैंने सिरिंज डाली, मैंने अपनी ले ली दो यूनिट्स ले ली, तीन यूनिट्स ले ली, पेशेंट को इंजेक्ट कर दी, फिर मैं सिरिंज रख दूंगी, नेक्स्ट टाइम फिर वो सिरिंज लूंगी, उसको डिप करूंगी, तो बेटे चांसेस होते हैं कि आपके एनवायरमेंट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके उस इंसुलिन के अंदर जाके इंसुलिन को खराब कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि बेटे जितने भी हमारे पास मल्टी डोज कौन से होते हैं, जिनके अंदर से हम एक से ज्यादा दफा ड्रग लेते हैं, जैसे मैंने आपको इंसुलिन की एग्जाम्पल दी है, तो बेटे वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रो करने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि बेटे वहां पर प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर देते हैं। प्रिजर्वेटिव्स क्या करेंगे बेटे, कभी भी बैक्टीरियल ग्रोथ को आप कह सकते हैं कि प्रमोट नहीं करते, यानी कि बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे और अल्टीमेटली जो हमारी प्रिपरेशन होगी वो बेटे स्टेबल रहेगी।